आज मैं आप सभी को जो वजीफा बताऊंगा, बताए गए तरीके से अगर आप पढ़ते हो, उस अमल को करते हो, तो इंशाल्लाह आपका दुनिया का हर एक मकसद, हर एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो दुआ के बारे में जानने के लिए, किस तरह से पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, कितने दिनों तक पढ़नी है, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर बराबर वाले घंटे के बटन को भी जरूर दबा देना, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दुआ कुछ इस तरह से है। या हय्यू या कय्यूमु या रहमानु या रहीमु या जुल जलाली वल इकरामी या नूर समावाती वल अर्जी वमा बैनहुमा व रब्बुल अर्शिल अजीम। हर मकसद और हर मुराद को पूरी करने के लिए आपको इस दुआ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, कसरत से पढ़ना है। इसमें कोई तादाद नहीं बताई गई है कि कितनी बार पढ़ना है, लेकिन मेरे हिसाब से कम एक दिन में आपको इस वजीफे की एक तस्बीह पूरी करनी है, एक तस्बीह मुकम्मल करनी है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपका हर एक जायज मकसद पूरा हो जाएगा, आपकी हर एक जायज ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो आप इस अमल को कीजिए और अपने मकसद को हासिल कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और इस जानकारी को अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी फायदा उठा सके। तो शेयर करते रहिए।